कावा शावा लग रहा है, मीठा कावा। अरेबिक और पाकिस्तानी दोनों मिक्सअप मिलेगा यहाँ। 10 किस्म का मसाला है माशाल्लाह। ये हड्डियाँ देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कैसा हुआ है। ज्यादा अच्छा तो ये लगे बीफ अदाना कबाब से, ये चिकन टर्किश कबाब है, ये चिकन मंदी और ये चिकन चौप। माशाल्लाह मंदी प्लेटर है। हाँ भाई, मैं हूँ शादाब हुसैन सिद्दीकी और आज मैं मौजूद हूँ हंगरी हबीबी। हंगरी हबीबी का नाम सुन के आपको एकदम जहन में आ रहा होगा कि मैं किसी अरब के शहर में पहुँच गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कराची में मौजूद हूँ, अपनी जान कराची मेरी धड़कन मेरी पहचान। इस वक्त मैं कराची के इलाके दिफर्स साहिबान बुखारी में मौजूद हूँ। यहाँ पर खुल चुका है हंगरी हबीबी और हंगरी हबीबी आपको जो है अरबी खाने खिला रहा है। तो क्या है, कैसे है, कैसा क्या सीन है, कितने का, तो आज अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि हंगरी हबीबी आज हमें क्या खिलाने वाला है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको अंदर क्या सीन है। अच्छा, यहाँ घुसने के बाद हमें थोड़ी थोड़ी हीट मिल रही है, क्या बात है यार। फुल ट्रेन वाला लुक दिया हुआ है, रेलगाड़ी है क्या? अच्छा, ज़बरदस्त। अब यहाँ आके आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे कि आपने ऊपर जाना है या कहाँ जाना है, तो आपने जाना है नीचे, ठीक है। क्या खूबसूरत सा सीन है भाई, ये तो निकल लिया भाई। जब फूड की वीडियो बनाएंगे तो पेट तो निकलेगा, मसला नहीं है, इतना नहीं है, अंदर चल आएगा। चेक करें भाई, खूबसूरत सा सीन है, क्या बात है। अच्छा, ठंडी ठंडी हवा आने शुरू हो गई है। और भाई ये है यहाँ का माहौल, कोई खूबसूरत सा, क्या कहना है भाई, बढ़िया, अच्छा खासा, मतलब स्पेस है, ज़बरदस्त, गुड। अच्छा भाई, इनका मेरे पास आ गया मेन्यू, और जब हम मेन्यू बोलते हैं तो थोड़ा करीब आते हैं, क्योंकि अभी भी की स्टोरी शुरू हो जाती है जब आपके पास ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के बाद इनकी स्टोरी पड़ेगा, और जब पेश डन करें तो क्या बात है भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चेक करते जाएँ क्या क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं, खाने में भी अच्छा ही होना चाहिए। चेक करें भाई, क्या बात है, अरेबियन फिश प्लेटर आ गया। अच्छा, ये इसका जो है ना हॉट आइटम चल रहा है, वैसे जो है ना मैंने इनसे पूछा और वो भी मुझे यही रिकमेंड कर रहे हैं कि आपका जो है इनका ये सब अलग चीज़ है। बाकी ये मंदियाँ वगैरह अरेबियन पीस वगैरह दूसरी जो चीज़ है वो तो हर जगह मिल जाती है, मंदी प्लेटर ये तो आपको हर जगह मिल सकता है। कुछ अलग करने वाले हैं और ये बाकी काफ़ी बड़ा इनके पास मेन्यू है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ऑप्शन हैं। आपके पास चेक करते हैं, पूरा बकरा दिए, सालन बकरा। अच्छा, प्राइस भी कुछ एवरेज है, इनके कोई इतने खास लग नहीं रहे, नॉर्मली लग रहे हैं। बाकी कुछ है ऑर्डर, कुछ ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर आने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया और कैसा, और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे घूम रहे थे हम, बैठे हुए थे, हमने ऑर्डर दिया और देखते देखते हमें एक आवाज़ आई पीछे से। मैंने बोला यार आवाज़ कोई जानने वाला मिल गया, अमूमन ऐसा होता है जहाँ जाता हूँ कोई ना कोई जानने वाला मिल जाए। तो पीछे से आवाज़ आई तो मैंने ढूंढा कौन है, और ढूंढता हुआ जब मैं पहुँचा तो मुझे निकले मिश्काल। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, आप सुनाओ। आप खैरियत यहाँ पर? बस आ गए थे, हमने कहा कुछ खा ले। अच्छा, खैरियत भी माशाल्लाह। कैसा चल रहा है, क्या हाल? बहुत ज़बरदस्त। मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ की, माशाल्लाह प्रमोशनल वीडियो बहुत अच्छी गई थी, और माशाल्लाह उसके बाद रश भी काफ़ी बड़ा है। और इनका जो मंदी, माशाल्लाह मंदी प्लेटर है, और ये इस प्लेटर का क्या नाम है? धूम मचा दी, कुछ बचा ही नहीं इसमें तो भाई। लेकिन ये कि जो भी है ना, यहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त है, आपको अरेबिक और पाकिस्तानी दोनों मिक्सअप मिलेगा यहाँ पे। आप दूसरी दफा आ गए? मैं दूसरी बार आया हूँ। अच्छा, आपका तो थोड़ा मामला भी अरबियों वाले ही है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकल्लम लुगत अरबी है। और माशाल्लाह ये हड्डियाँ देख के अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कैसा हुआ है। ये बिल्कुल नहीं छोड़ी है इस बंदे ने, ये देखिए, यहाँ बिल्कुल लाइट खाया, यहाँ बिल्कुल लाइट, ये देखिए, ये देखे माशाल्लाह ब्रदर, अरबा अजवाज जबरदस्त। अच्छा भाई, जो हमने मंगवाई है वो है अरेबियन फिश प्लेटर, उसका हाल ऐसा है, अभी ये ऐसे है, तो इन्होंने इसलिए ऐसे लाए, कह रहे हमने अभी ऊपर जो है ना जो इसकी ब्रांड है वो इसलिए नहीं लगाई कि आप वीडियो बना रहे हो उसके अंदर नज़र आ जाए क्या है। तो अभी ब्रांड उन्होंने मंगवा ली है, वो आ रही है, उसके बाद फिर दिखाऊंगा कि आपका लुक कैसा। और भाई ये है इसकी ब्रांड, जो कि पिक्चर के अंदर थी, जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, ये आ गई, वो इसलिए उन्होंने रखी थी कि जो माल है वो नज़र आ जाए, माल इसके अंदर छुप जाता है। आपकी वैसे स्पेशलिटी यही है? यही है सर, हमारा रनिंग आइटम है। रनिंग आइटम, अच्छा। और ड्रिंक्स में भी आप कुछ बता रहे हैं, कुछ अलग होता है आपके पास, वो क्या है सर? हमारा कपल टाइम है, सेंडिया मोजीतो है, और उसके साथ ब्लू एडम हमारा स्पेशल है। हमारे लिए क्या ला रहे हैं? आपके लिए ब्लू एडम और सेंडिया मोजीतो। ज़बरदस्त, धन्यवाद भाई, आ रहा है हमारा ऑर्डर, बस भूख लग रही है क्योंकि सहरी का भी वक्त करीब होता जा रहा है। बारी आ गई खाने की, जो एक सिग्नेचर थी वो मैंने मंगवा लिया है। और ये जो रोटियाँ थी, ये जो टॉपिंग थी, हटा लेता हूँ, जो असल रूप है वही दिखा देता हूँ आपको। आपका भाई निकालता उल्टे हाथ से, लेकिन खाता सीधे हाथ से, जैसे मैं लिखता उल्टे हाथ से हूँ, खाता सीधे हाथ से हूँ, बॉलिंग उल्टे हाथ से करता हूँ, खेलता राइटिंग ऐसे ही निकालता उल्टे हाथ से, खाता सीधे हाथ। ओहो, पहले अच्छा ये इनकी थी अरेबिक रोटी। अच्छा बात सुनेगा, एक मिनट आइएगा ज़रा, मुझे उम्मत को बताने के लिए ज़रा ये बता दें इसमें ये क्या चीज़ है? ये बीफ अदाना कबाब है सर, ये चिकन टर्किश कबाब है,
ये चिकन मस्जिद होटल और ये चिकन चौक से जबरदस्त, मतलब पांच आइटम इसके अंदर जबरदस्त हो गया। 2% के लिए बेच जबरदस्त। ये ईरानी है, अरबी है, दुबई की है, सोरिया की है, तुर्की की है, कहाँ की है? ये सब बेसिक अरबिक फूड है, इसको हमने पाकिस्तानी। अच्छा, थैंक यू। चलें बस खाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कौन कौन सी चटनी है इसमें, कोई खास बात? जैसे टमेटो सॉस है और ये रायते वाली सॉस है। ये स्पाइसी कौन सी? स्पाइसी सर नॉर्मल, इसमें नॉर्मल स्पाइसी और स्पाइसी। लोग ज़्यादा कौन सी लाइक करते हैं इसमें? ज़्यादा पसंद करते हैं ये अरबी। चलो हम भी चेक करते हैं, मुझे चटनियाँ वैसे बहुत पसंद है। ये इतनी सारी चीज़ें, आप ये सारी चीज़ें तो खा नहीं सकते, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल लिया ताकि हल्का हल्का सा टेस्ट करें और आप लोगों को बताते रहें। अच्छा, चिकन चॉप भी है, मतलब आइटम बहुत सारे हैं यार। और इसको पता है यार, एक बात मैं आपको बताऊं, हाथ तो मैंने धो लिया। ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को अगर आप चमचे से और फॉक से खाएंगे ना, तो यकीन माने आपको मज़ा नहीं आएगा। ये इन चीज़ों के लिए नहीं है, ये देसी चीज़ है और देसी तरीके से हाथ से खाना चाहिए। मैं भी हाथ से खाऊंगा, बर्गर वर्गर बनने की ज़रूरत नहीं। इस चटनी की इसने बहुत तारीफ करी है, ये वाली चटनी, इसकी टमाटर जो है ये निकाल लेता हूँ। तीनों निकालेंगे यार, क्योंकि तीनों का बताया। और ये इसका सेकंड प्राइस है। थोड़ा करीब आ रही है कैमरा मैन, थोड़ा करीब आ जाए। मेरा कैमरा मैन जो है ये आज थोड़ा सा लेजी हुआ, क्योंकि इनको बहुत भूख लग रही है। आपको भी मिलेगा रुपया, कैमरा मैन भी थोड़ा नखरे हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं रहा। अच्छा, ये तीनों चटनियाँ निकल गई हैं। मतलब मैं फटाफट खा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, उसके बाद ये फिर पूरा खाएंगे और बताएंगे। तो बस चावल इनके ज़बरदस्त हो रहे हैं, चिकन इनकी मैंने जोड़ दी है, टेंडर चिकन है इनके। और ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चिकन के ऊपर जो मसाला लगा हुआ है ना, वो वाकई कुछ अलग किस्म का मसाला है। और जो चावल है, चावल की भी जो है ना टेस्ट, हालांकि वाइट है, बिल्कुल प्लेन राइस है, लेकिन इसका कलर इसके टेस्ट के मुताबिक बहुत अलग है। और ये जो कबाब है, ये देखते हैं, ये भी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बाहर की है, सॉसेज के साथ चेक करता हूँ। बाकी ये जो चटनी है, ये जो सॉस है, इसका टेस्ट भी बहुत अलग है और ये कबाब भी बहुत अलग किस्म है। बाकी अपना पूरा खाते हैं, इंजॉय करते हैं, फिर एंड में आपको बताऊंगा कि इसकी उबरते हैं नहीं, तो इसको पूरा खा के चेक करते हैं आपको पता। अभी क्या लिया है हमारे लिए? ये ड्रिंक हमारी स्पेशल ड्रिंक है, सेंडिया मोहितो। भाई ये तो मुझे कुछ कावा शावा लग रहा है, मीठा कावा, ब्राउन शुगर का लग रहा है। क्या बात है, ये भी हमारा स्पेशल ड्रिंक है, ब्लू वाला। अच्छा भाई, माशाल्लाह, ये दोनों जबरदस्त, दोनों मैंने पीनी है। क्या बात, हाँ हाँ, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं मेरे लिए। सबसे पहले इसको पीता हूँ, भाई ये तो ब्लू बेरी टाइप का दे रहा है, कुछ अलग बात। अरे यार वाह, उससे ज़्यादा अच्छा तो ये लग रहा है, अब गाँव ही अपने होंगे, तो इन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। तो खाते भी रहते हैं, खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, चावल चल रहे हैं, खा रहा हूँ, मतलब खत्म होने की तरफ आ गया। बाकी बहुत ही कोई आला चीज़ है, ये जो उन्होंने रोटियाँ दी हैं, ये बचा के घर से नहीं लेके जा रही, तो ये इसलिए दी हुई कि आप इससे अपना ये चिकन है ना, प्याज के ऊपर मसाला लगा हुआ है, ज़्यादा नाम करके मैंने इतना कोई आला ज़बरदस्त किस्म का मसाला है ना। ये जो ब्रेड है ये बिल्कुल अलग है, जो हमारी नॉर्मल चपातियाँ होती हैं उस टाइप का नहीं है, तो ये अलग चीज़ है। ये खा के मुझे याद आ रहा है शायद तुर्की जो शवरमा होता है, उसके अंदर शायद इस तरह की ब्रेड होती है। बाकी जो इसका ये है कबाब, ये भी आला है, और खाना तो बहुत ही मज़े का चल रहा है। मतलब यहाँ आना मेरा अपने तक का वसूल हो गया, दिल से दुआएँ निकल गई हैं, लेकिन अरबी में नहीं होती। अच्छा भाई, आप खा रहे हो और आपका पेट भी ना भरा और दिल भी ना भरा और चावल ख़त्म हो जाए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए एहतमाम है। भाई अगर चावल ख़त्म हो जाए तो क्या सीन है? राइस की वन टाइम राइस की रेटिंग कॉम्प्लीमेंट्री। यार बात यह है कि पेट तो तकरीबन भर गया, लेकिन नियत नहीं भरी। नियत जो होती है ना, आपको पता है थोड़ा सा नियत खराब, और आपके देखिए मसाले और ये चटनी और ये सॉसेस है ना, तो इसके खा के बड़ा ही कोई मज़ा आ रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि चावल आ गए थोड़े से खाएं, और उम्मत को भी ये बता दें कि आपने भी परेशान नहीं होना, ये ख़त्म हो जाए तो उनसे बोल देगा आपको रिफ्यून कर देंगे। और भाई फाइनली चावल भी आ गए हमारे। ओहो क्या बात है, मतलब आज यहाँ तक पेट भर जाएगा। पेट तो वैसे तकरीबन भर गया, लेकिन तो क्या कहते हैं, पेट भर जाती है और नियत नहीं भरती, क्योंकि कोई चीज़ जब बहुत अच्छी हो ना, टेस्टी हो, तो आपके साथ यही सीन होता है कि आपका पेट भर जाता है और नियत नहीं भरती। तो मेरे साथ भी यही सीन हो गया एक दफ़ा, फिर इनके बहुत ही आला किस्म के चावल आ चुके हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल वाइट होते हैं। अच्छा भाई, मैं हाथ से भी खा रहा था और चमचे से भी खा रहा हूँ, तो मैं एक रुपये में दो मज़े ले रहा हूँ। अगर आप लोग आएंगे तो हाथ से भी खा सकते हैं, हाथ से खाएंगे चावल तो सुन्नत भी है, सुन्नत है वो, उसके तो बस
खाना खाएंगे तो उसका स्वाद भी मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जैसे थोड़े थोड़े से बर्गर दें तो आप लोग चमचे से भी खा सकते हैं। बाकी एक दफ़ा दोबारा आ गया तो खाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया और बाकी खा के मज़ा आ गया, मतलब मेरा यहाँ पे हंगरी अभी भी आने का मकसद पूरा वसूल हो गया। खाना बहुत ही कोई आला था, टेस्टी था, यमी था, क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी थी। दोबारा रेफर भी करा, सॉसेज, चटनी, मतलब हर चीज़ बीच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी थी। तो 10 में से 9 इसके बनते हैं, मतलब 10 में से 10 भी दे सकता हूँ, तो बहुत ही आला था। सेकंड ये कि अब हमारा फाइनली बिल आ चुका है, तो बिल में मैं आपको ये बता दूँ, ये जो मैंने खाई थी अरेबियन फीस्ट ये थी 2100 रुपये की, ये तो 2100 रुपये की, और ये विशेष की, मतलब बहुत ही आला यार लगे तो ये जीत गया। आप लोग भी इधर आइएगा, भाई को बहुत याद रखिएगा, बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसा इसका नहीं कि अगर और कोई जगह तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह वो जाके कवर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह।